हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अभी अभी सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है क्लास 10th एंड 12th के वाले बच्चों को लेकर, रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जो क्लास 10th और 12th का रिजल्ट है वो 7 मई को आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात फैली हुई है, बहुत सारे यूट्यूब में भी ये वीडियो डाली गई है कि 7 मई को जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला। क्या ये बात सच है, इस बात में कितनी सच्चाई है। और मैं भी अभी न्यूज़ पढ़ के आ रहा हूँ इंडिया टुडे। इंडिया टुडे आपको पता ही होगा, काफ़ी जाना माना सोशल मीडिया चैनल है, इनका न्यूज़ खुद का न्यूज़ चैनल भी चलता है और उनकी वेबसाइट भी है। तो उसके ऊपर भी मैंने देखा कि मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट जो है वो शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि रिजल्ट टू बी डिक्लेयर ऑन 7 मई। सीबीएसई जो है 7 मई को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। इसके बाद में कितनी सच्चाई है इसमें कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया टुडे की जो बात है वो कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया टुडे जो है वो काफ़ी अच्छा बड़ा मीडिया चैनल है, ये छोटा मोटा मीडिया चैनल नहीं है। इनको हाला ये खबर कहाँ से मिली है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनके जो सोर्सेज हैं हमारे सोर्सेज से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको ये खबर कहाँ से मिली है इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। और ये बात सच भी हो सकती है कि 7 मई को जो है रिजल्ट आ सकता है, क्लास 10th का भी आ सकता है, क्लास 12th का भी आ सकता है। हालांकि सीबीएसई इस चीज़ को के ऊपर कोई पॉइंट नहीं दिया है, सीबीएसई ने इस चीज़ के ऊपर कोई अपडेट नहीं दी है, क्योंकि कॉपीज जो चेकिंग हुई है वो लेटेस्ट हाल ही में कॉपीज चेक हुई है, और 12th की कॉपी जहाँ तक माना जा रहा है अभी भी पेंडिंग है। तो मे भी जहाँ तक मेरा चांसेस है कि ये जो रिजल्ट आएगा, अगर आएगा भी तो 7 मई को, तो सीबीएसई आपको एक तरह से सरप्राइज कर सकती है, सरप्राइज करेगी 10th वाले बच्चों को, क्योंकि 10th की कॉपीज चेकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। 10th का जो रिजल्ट है वो 7 मई को डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन मैं अपनी सोर्सेज के अकॉर्डिंग मानूं, अगर मैं अपनी बातों के अकॉर्डिंग मानूं, तो मेरे लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि 7 मई को सीबीएसई जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया मीडिया टुडे, जो इंडिया टुडे को इस चीज़ का मानना कि 7 मई को रिजल्ट आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इस बात के अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई हो भी सकती है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग मानूं तो अभी अभी जो कॉपी चेकिंग फिनिश हुई है, सीबीएसई अगर थोड़ा फास्ट करे, बहुत फास्ट करे, तब जाके 7 मई तक पहुंच सकता है। अदरवाइज इस 7 मई को रिजल्ट जो मेरे हिसाब से है वो तो मुश्किल अपडेट लग रही है कि मुश्किल ही है 7 मई को। लेकिन बच्चों कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, इसमें इतना टेंशन पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, रिजल्ट तो आना ही है। 7 मई को नहीं आएगा, 10 मई को आ जाएगा, 10 मई को नहीं आएगा, 15 को आ जाएगा, 20 को आ जाएगा, तो एक ना एक दिन तो हमें इस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा ना, एक ना एक दिन तो हमें रिजल्ट आएगा ही आएगा, तो टेंशन किस बात की। अगर 7 मई को भी आ जाएगा तो रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना, हाइपर नहीं होना है, ठीक है। बस भगवान से प्रे करो कि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। लेकिन ऐसा अभी सीबीएसई की तरफ से कोई लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, अगर सीबीएसई की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट।